जैन फ्रेंड्स, आज की बड़ी अपडेट आज सबको हम दे दे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप सबको है। दोस्तों हम न्यूज देने जा रहे हैं, जैसे कि दोस्तों बता दें यूपी बोर्ड की 2023 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी हो गया है। दोस्तों किस नीति के तहत दोस्तों आप सबका केंद्र निर्धारित किया जाएगा, परीक्षा केंद्र की बात किया जा रहा है। किस नीति के तहत दोस्तों टॉपर देने वाले स्कूल सबसे पहले बनेंगे परीक्षा केंद्र। दोस्तों आपका यह यूपी बोर्ड का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको दोस्तों, पूरा देखिए, कहीं भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को अच्छे समझिएगा। किस नीति के तहत दोस्तों आप सबका सेंटर डिसाइड किया जाएगा 2023 का। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिएगा, आप सबको थोड़ा बता दे दो पॉइंट, जैसे कि दोस्तों यहां पे देखेंगे आप सब क्या लिखा है। 8 मानक जारी किए स्कूलों की मेरिट के लिए, और दोस्तों 10 अंक राज्य स्तरीय टॉप 10 में शामिल स्कूलों को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको हम बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहां पे जैसे कि लिखा हुआ है, आप सब यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यह दोस्तों आपको पढ़ के सुनाता हूं और दिखाता हूं, बताता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, गलत जानकारी पर स्कूल डिबार किया जाएगा। दोस्तों जो स्कूल गलत जानकारी देगा बोर्ड को, वह दोस्तों क्या किया जाएगा, डिबार। डिबार मतलब होता है दोस्तों ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर थोड़ा बता दें, यहां पर देखिएगा क्या है, 22 अक्टूबर तक सभी स्कूलों के प्राचार्यों को यह निर्धारित प्रोफार्मा पर केंद्र बनाए जाने को लेकर सभी जानकारी भरनी होगी। अगर किसी प्रधानाचार्य ने गलत व भ्रामक जानकारी भरी तो उस स्कूल को 3 वर्ष के लिए डिबर कर दिया जाएगा, और वहीं प्राचार्य के खिलाफ क्या किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 7 जनवरी 2023, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 जनवरी 2023 तक बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की सूची जो है दोस्तों जारी कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा 7 जनवरी तक दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा की जो दोस्तों सेंटर है दोस्तों उसकी सूची जारी कर दिया जाएगा, यह दोस्तों इसमें बताया गया है। अब दोस्तों आई एम को उतना एक्सप्लेन अच्छे से करके समझाते हैं दोस्तों, बताते हैं पूरा पेपर को दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों 21 अक्टूबर का दोस्तों पेपर का कटिंग है दोस्तों, आप सबको बता दें यह दोस्तों निकला हुआ है, टॉपर देने वाले स्कूल सबसे पहले बनेंगे परीक्षा केंद्र, ठीक है। अब दोस्तों आप सबको बता दें, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि दोस्तों आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा, लखनऊ विशेष संवाददाता क्या है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की परीक्षा केंद्र नीति जारी कर दी है। इस बार सभी जियो लोकेशन के जरिए केंद्र का निर्धारण होगा, यानी दोस्तों जियो लोकेशन के तहत दोस्तों क्या होगा, केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ के बताते हैं आप सबको, देखिए दोस्तों इस बार स्मार्ट क्लास के संचालित होंगे, ठीक है, इस बार भी स्मार्ट क्लास संचालित होंगे। वर्ष 2022 की परीक्षा में जिला व राज्य स्तरीय टॉपर वाले स्कूलों में मेरिट ज़्यादा अंक दिए जाएंगे, यानी दोस्तों मेरिट जो बनेगी स्कूलों के उसमें दोस्तों जो टॉपर दिए हैं स्कूल, यानी जिस स्कूल के बच्चे टॉप किए हैं दोस्तों, उन सभी स्कूल को सबसे ऊपर रखा जाएगा, उन सभी को सबसे एकदम दोस्तों एकदम पीक पॉइंट पर रखा जाएगा, उनको विशेष नंबर भी दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दें, जैसे नेक्स्ट देखिएगा क्या है, गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देवपति मिश्र ने आदेश जारी कर दिया है। एक पाली में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सबको थोड़ा बता दें, एक पाली में 125 से कम धारण क्षमता वाले वित्तविहीन स्कूल परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे, लेकिन राजकीय व एडेड स्कूल को भी इस बार इन शर्तों से छूट दी जाएगी। क्या दी जाएगी दोस्तों, अब आइए हम लोग इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्कूलों की मेरिट बनाने के लिए 8 मानक जारी किए गए हैं। इस बार जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित होते हैं उन्हें 5 नंबर मिलेंगे। साथ ही जिला स्तर पर टॉप 10 की में जगह बनाने वाले स्कूल को 5 अंक और राज्य स्तर पर टॉप 10 में जगह बनाने वाले दोस्तों उनके लिए 10 अंक, ठीक है, और 10 अंक मिलेंगे। ये मानक इस बार नए शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों वहीं इस बार कक्षा के लिए यानी कक्षा का जो क्लास होगा उसके लिए एक बजाय 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। वहीं पिछली बार का परिणाम 90% से ज़्यादा पर 10 अंक और राजकीय स्कूलों को 50, ध्यान दीजिएगा 50, अशासकीय सहायता प्राप्त को 30 और दोस्तों यहाँ वित्तविहीन स्कूलों को 10 अंक दिए जाएंगे। पिछले वर्ष वित्तविहीन स्कूलों में पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष पूरी बोर्ड परीक्षा में यदि 30% से ज़्यादा
विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यदि स्कूल व इंटरमीडिएट के स्कूल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 80 से कम होंगे वहीं परीक्षा केंद्र नहीं न बनाए जाएंगे। यानी दोस्तों वह भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे जहां से 30 बच्चे कम, मतलब 30 या 30 से कम बच्चे क्या किए गए हैं दोस्तों वहां पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो वहां पे परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा, पिछली बार सभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जियो लोकेशन के आधार पर किया गया था, लेकिन इस बार क्या है, ब्लॉक वार बनी प्रधानाचार्य की कमेटी, उस स्कूल में जाकर वहीं से स्कूल की क्या किया जाएगा दोस्तों, जियो लोकेशन सत्यापन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बार दोस्तों क्या किया जाएगा, वहीं से दोस्तों क्या किया जाएगा, जियो लोकेशन सत्यापन किया जाएगा, जो प्रधानाचार्य होंगे वहां से जाके करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, टॉपर देने वाले स्कूल सबसे पहले बनेंगे परीक्षा केंद्र। यानी दोस्तों जो टॉप 10 के हैं या दोस्तों जो सबसे अच्छे नंबर सेंटर लेकर सबसे अच्छे नंबर देते हैं उन सभी को दोस्तों बनाया जाएगा क्या दोस्तों, परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों इसी आधार पे आपका बनाया जाएगा 7 जनवरी 2023 को दोस्तों आपका आ जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर बन रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट थी मैंने आप सबको दे दिया है। इसी तरह दोस्तों आप सबको हर एक अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों, बस चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आइए तो आइए हो दोस्तों आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।